ये अगर न्यूट्रल है तो फिर चलेंगे चाबी पर। पीछे का जो बकेट चलाना है तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये स्टेपलेजर होते हैं, जो ये जो दोनों देख रहे हैं ये बगल के और एक ये भी, इसके इसके लिए जो है सो ये लीवर दिया गया है। और सब इसे इसे चलाने से पहले इसका रेस दबाना पड़ता है, जैसे हैंड एक्सीलेटर हुआ, इसको दबाएं रेस बन गया। और इसके साथ ये लीवर जो देख रहे हैं, ये लीवर को हम दबाएं, ये लीवर दबाने से दोनों स्टेबलाइजर का काम होता है। और उसके बाद जो है इसमें चार लीवर हैं और इसमें भी चार लीवर हैं, दोनों मिलकर आठ लीवर होते हैं। सबसे पहले इसका जो है बूम, बूम का इसमें पूरा फंक्शन दिया गया है, जैसे बूम में ऐसे ऊपर की तरफ हुआ और इसमें फिर ऐसे करेंगे नीचे की तरफ होगा। और स्विंग करना है तो इसको बाएं लेंगे और दाएं लेंगे, दोनों हुआ स्विंग। और ये जो है ये बकेट का है, बकेट का जो है तो बकेट में चार भी होते हैं, बकेट में भी तो सबसे पहले हम देखेंगे बकेट का जो है सो डिफर का, तो आगे वाला फंक्शन हुआ डिफर। इसको देखिए ये डिफर हो गया, उठ गया डिफर। और फिर हम उसी में लेंगे डिफर गिराएंगे, डिफर गिर गया और चले बकेट। अब ये जो है आगे वाला बकेट, देखिए हम बकेट खोल रहे हैं, उसके तरफ धकाने से बकेट खुलेगा और इसके तरफ से आने से बकेट बंद होता है। और बकेट जब चलाएंगे तो बकेट चलाने के लिए सबसे पहले हमको ये ज़रूरी है कि मतलब देखना आरपीएम कितना आरपीएम पर बकेट चलता है। तो बकेट चलाने के लिए सबसे कम से कम रेस आरपीएम होना चाहिए 1200-1300। ऐसे तो ये मशीन सब अभी 1500 आरपीएम में चल रहा है, और अपना अपना चलाने के ऊपर जितना में जिसको चलता है उतना में वो चलाता है। जैसे कि आप कोई सा बहुत सारा ऑपरेटर है जो 1500 आरपीएम पर चलाता है, कोई ऐसा ऑपरेटर है जो 1400 आरपीएम पर चलाता है, कोई ऐसा है जो 1500 पर भी चलाता है, 2000 पर भी चलाता है, ये सब चलाने के ऊपर है। जहाँ तक अपना हाथ सेटिंग हो जाए उतना आरपीएम पर आप चला सकते हैं मशीन। ये जो हम बताएं अभी आरपीएम के बारे में, तो आरपीएम जो था जो सिर्फ बकेट चलाने के बारे में, सिर्फ आगे पीछे वाला बकेट चलाने के बारे में था ये आरपीएम। और आगे वाले के आगे वाले को चलाने के लिए कोई आरपीएम नहीं होता है, जितना मांगता है ताकत उतना आरपीएम दबाइए। जैसे एक बार ऑन होने पर मशीन में जो है सो लाइन आता है, दूसरी बार दबाने से ये स्टार्ट होता है मशीन। जैसे कि मतलब मशीन स्टार्ट हो गया, मशीन स्टार्ट होने के बाद ये FNR है, ये जो है सो FNR है। पहले हम इसको करेंगे जो आगे की तरफ चलना है तो आगे लेंगे, तो ये आगे चलेगी। और ठीक सेंट्रल में आना है बीच में तो ये न्यूट्रल हो गया, गाड़ी न्यूट्रल हो गया। उसके बाद जो हमको बैक लेना है जिसे रिवर्स बोलते हैं, तो इसे हम पीछे लेंगे तो ये रिवर्स हो गया। अब देखिए और आगे चलने के बाद ये जो आगे देख रहे हैं आप, ये लोडर है, ये जो लोडर है इसको चलाने के लिए इसमें चार लीवर होते हैं, जो ये है इसके सहारे ये चलता है। ये जो लीवर देख रहे हैं आप, ये लीवर जो इसमें चार लीवर है, हाँ, इसे ऐसे करने से मतलब पीछे के तरफ करने से लोडर आके आगे उठता है। अच्छा पहले आप हम अब दिखाते हैं हम आपको स्टार्ट करके। चलिए चलिए हम इसको स्टार्ट किए। अब इसको हम पीछे के तरफ लेंगे तो ये देखिए ये आगे उठ रहा है, ठीक है। और चलिए फिर लीवर पर, और इसको जो है सो हम आगे की तरफ धकाएंगे, तो आगे की तरफ धकाने से ये नीचे की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। और इसी में चार फंक्शन होते हैं। और जैसे ये उठा, इसमें कोई सामान है, जो सामान हमको नीचे की तरफ डालना है तो इसको इस तरफ डाल ले जाना है, जो इसमें लोडर में जो सामान होगा वो नीचे गिर जाएगा। और जो सामान हमको इसमें उठाना है तो इसको उठाने के लिए हमको क्या करना होगा, फिर इसको इस तरफ लेना है, अगर कोई सामान इसमें रखना है तो ये ऐसे करना है, ये बंद हो जाएगा, बंद हो गया, इसमें जो सामान है अब सुरक्षित है। और उसको खाली करना है तो फिर इसी तरफ हमको ऐसे धकाना है, तो ऐसे धकाने से क्या होगा, वो गिर जाएगा आगे की तरफ। चलिए ठीक है, रोड पर जब हम चलते हैं तो रोड पर चलने के लिए
ये गियर है, इसमें चार गियर होते हैं। हाँ, इसमें वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ और फोर हुआ, चार गियर होते हैं रोड पर चलने के लिए। बहुत सारे व्यूअर लोग बोलते हैं कि क्लच नहीं होते हैं, क्लच नहीं होते हैं, क्लच होते हैं। क्लच इसका यहाँ है, ये जो बटन है, ये जो आगे ये बटन दिया गया है, यही इसका क्लच हुआ। ऐसे आगे के तरफ ले जाएंगे तो एक नंबर गियर लग जाएगा इसमें। रोड में चलने के लिए ये इतना चार गियर होते हैं। और ये गियर लगाने के बाद मशीन आगे नहीं जाएगी जब तक हम यहाँ से उसको आगे की तरफ नहीं लेंगे। अगर हमको आगे की तरफ लेना है तो इसको आगे की तरफ धकाना है। अगर इसको हम आगे की तरफ धकाएं तो मशीन मेरा आगे की तरफ जाएंगे, और फिर पीछे की तरफ लेना है तो फिर पीछे की तरफ लेंगे तो वो पीछे की तरफ आएगी मशीन। पैडल देख रहे हैं, ये पैडल है, ब्रेक पैडल, सिंगल सिंगल पैडल होते हैं, सिंगल सिंगल ब्रेक है इसमें। और ये जो देख रहे हैं वो रेस पैडल है, इसको एक्सीलेटर बोलते हैं हम। इसको धकाने से मशीन आगे की तरफ चलता है, जितना रेस दबाई उतना पिकअप बनता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है हैंड ब्रेक, इसको ऊपर की तरफ धकाने से वो हैंड ब्रेक लग जाता है। और इसमें इंडिकेटर भी है, जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा ब्रेक हैंड ब्रेक है, अगर हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, मशीन स्टार्ट कर दिए कि मेरा मशीन और आगे पीछे क्यों नहीं हो रहा है, जब हैंड ब्रेक लगा हुआ हमसे मिस्टेक हो रहा है, तब इसमें इंडिकेटर दिया गया, वो ऑटोमेटिक वो आवाज़ आने लगेगा। इससे हम समझ जाएंगे कि इसमें जो मेरा हैंड ब्रेक लगा हुआ है, इसको नीचे की तरफ डाल देंगे फिर वह मशीन आगे पीछे होना शुरू कर देता है। तो बंद करने का कोई तरीका, इसको जो है इसको कोई दूसरा तीसरा जगह नहीं जाना है, सिर्फ चाबी को ऑफ कर देना है। चाबी को ऑफ कर दिए, मशीन बंद हो गया।